अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ। मेरा नाम साइमा अली खान है। डेली लाइफ में मैं आज आप लोग को बारबेक्यू राइस बनाना सिखाऊंगी। बारबेक्यू राइस में जो इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसमें ऑयल ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो है प्याज, ठीक है, और ये मैंने भिगो दी थी किशमिश, और मोटी मोटी गाजर काटनी है आपने। ठीक है, तो ऑयल के बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर देने। झटपट रेसिपी है ये, बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा और बहुत ही लजीज। बहुत कम इंग्रेडिएंट यूज होंगे, माइल्ड राइस हैं और इजी राइस हैं। मैं इनको सर्व करूंगी मलाई बोटी के साथ। ठीक है, मलाई बोटी की रेसिपी मैं किसी और दिन आपको शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो ये जो है मेरे पास, ये है कोयला। ठीक है, कोयला मैं ऐड नहीं करूंगी, कोयले का धुआं दूंगी। ठीक है, और ये हो गई सौंफ पिसी हुई, और ये हो गया जीरा पिसा हुआ भुना हुआ दरदरासा। ठीक है, ये हो गया गरम मसाला, ये हो गया नमक, अदरक लहसुन और क्यूब चिकन क्यूब यूज करने हैं आपने। ठीक है, प्याज को ज्यादा नहीं पकाना, हल्का सा, ब्राउन भी नहीं करना, बस हल्का सा पकाना है प्याज को। ठीक है, ये देखिए प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके हमें गाजर ऐड करनी है, इसमें मोटी मोटी गाजर काटनी है, सही है, क्योंकि ये पकेगी, इसमें घुल जाती है गाजर। ठीक है, गाजर के बाद हमें इसमें किशमिश चाहिए। ठीक है, मेरे पास मोटी मोटी किशमिश चाहिए, और मैंने इसको भिगोया था तो ये माशाल्लाह मजीद मोटी हो गई है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, जी, तो इसको भी हल्का सा पका के किशमिश और गाजर को। तो ये मैंने जो आपको सारे इंग्रेडिएंट बताए थे दोबारा बता देती हूँ। गरम मसाला है इसमें, और सौंफ है, जीरा है और नमक है। ठीक है, और ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे हम इसमें, लेकिन थोड़ा ठहर के। अब हम इसमें ये डालेंगे दो क्यूब चिकन क्यूब, और हल्का सा पानी ताकि मसाला जले ना। किशमिश देखें, जबरदस्त हो रही है। मसाला भुन चुका है, अब मैं इसमें चावल के मुताबिक पानी ऐड करूंगी। चावल मैंने लिए हैं 3 कप। ठीक है, तो चावल का मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार मैंने चावल बनाए हैं, तो जिसको चावल का आइडिया नहीं है तो सिर्फ 1 इंच आप जब इसमें चावल ऐड करें, मैं पानी अभी थोड़ा ऐड किया है, चावल ऐड करूंगी तो फिर मैं 1 इंच देखूंगी, 1 इंच इतना पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से। ठीक है, एक बॉयल आ जाए फिर मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। चले, पानी बॉईल हो गया है, अब मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ। देखते हैं पानी कितना है इसमें और कितनी गुंजाइश है पानी की। ये देखें, चावल ऊपर तक हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी अभी ऐड होगा। ठीक है,
ये देखें, 1 इंच बिल्कुल 1 इंच पानी कम है मेरे चावल। अब ये पानी थोड़ा सूख जाए तो हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। एक चम्मच, छोटा चम्मच है वैसे, ये 1 टेबल स्पून ही आपने ऐड करना है। जब तक इसका पानी सूखता है मैं आपको एक चीज दिखा दूं, मैंने जो बोटी तैयार की है मलाई बोटी, उसका जो थोड़ा सा मसाला रह गया था उसमें मैंने थोड़ी सी वेजीज डाल के थोड़ी सी उसको फ्राई करना है। ठीक है, चावलों का पानी सूख गया है, देख लें आप इस तरह। और हम इसमें कोयले का धुआं देंगे, आप बिल्कुल हल्की सी आंच कर दें। और ये कोयला हमने यहाँ रखा, दम पे रख देंगे। देखें बीफ बोटी और चिकन बोटी ग्रिल हो रही है, इसके साथ ही मैं सर्व करूंगी इंशाल्लाह, इसकी रेसिपी भी दूंगी आपको। चावल रेडी हैं, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये ले जी बारबेक्यू राइस तैयार है, आप इसको किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। और मैंने इनको बोटी के साथ सर्व किया है, बीफ बोटी है और ये है मलाई बोटी। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।